मुंबई पुलिस को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच एक सीधा लिंक मिल चुका है। क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एक्सप्लेन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत को ये जानकारी दी। इसके मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई ने सिद्दीकी के बांद्रा पश्चिम स्थित घर, ऑफिस और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय की रेकी का काम सौंपा था। 32 वर्षीय सुजीत सुशील सिंह की शुक्रवार को पंजाब से गिरफ्तारी हुई। पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभियान में सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे मुंबई पुलिस को भी सौंप दिया गया। कोर्ट ने सुजीत सिंह की पुलिस हिरासत रिमांड की मांग की। पुलिस ने कहा कि अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था, हत्या में इस्तेमाल हथियारों की खरीद फरोख और उन्हें नितिन स्प्रे और राम फूलचंद कनौजिया तक पहुंचाने में भी इसका हाथ था। इसके बाद उन्होंने इस शूटर्स को सौंप दिया। स्प्रे और कनौजिया ने सिद्दीकी और उनके बेटे के घर पर कार्यालयों की रेकी की। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में अनमोल बिश्नोई, शुभम लोंकर, जुशान अख्तर और शूटर शिव कुमार गौतम को भी वांटेड करार दिया। सुजीत सिंह की गिरफ्तारी से खुले कई राज। पुलिस की माने तो सुजीत सिंह ने ही जुशान अख्तर के स्प्रे और कनौजिया से मिलवाया था। वहीं क्राइम ब्रांच ने कल सिंह और 10 अन्य को अदालत में पेश किया, जिनकी पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सिंह को 4 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गुरमेल बलजीत सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोंकर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो वहीं बाकी आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। इसी बीच पुलिस ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने पुणे से 5वीं पिस्टल भी बरामद कर ली है, जिसे गिरफ्तार आरोपी हरीश कुमार निषाद ने छिपा कर रखा था। बिश्नोई गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो राजस्थान के एक पूर्व विधायक के रिश्तेदार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। अधिकारियों की माने तो एक अलग लेकिन संबंधित घटना में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ये गिरफ्तारी बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई में सनसनीखेज हत्या के कुछ दिन बाद ही हुई। बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है।